Hello students, welcome to study room. Time waste ना करते हुए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. आज मैं आपको बताऊंगा सर्वे से रिलेटेड MCQs जो RPSC AN में पूछे जाते हैं. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा सर्वे से रिलेटेड. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ अ ब्रिज प्रपोज टू बी बिल्ड अक्रॉस अ वाइडर रिवर द सर्वेइंग मेथड ऑफ चॉइस वुड बी. ऑप्शन ए टेक्योमेट्री, ऑप्शन बी चेन सर्वेइंग, ऑप्शन सी हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ऑप्शन डी ट्रायंगुलेशन. ट्रायंगुलेशन यूज़ करेंगे नहीं. ऑप्शन सी है हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग. हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि अंडर वाटर में यूज़ की जाती है. ऑप्शन बी है चेन सर्वेइंग यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि रिवर है, रिवर के चेन बिछा नहीं सकते. ऑप्शन ए टेक्योमेट्रिक आंसर है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करता है ऑप्टिकल वे में. तो ऑप्शन ए आंसर. क्वेश्चन टू है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियोग्राफी इज अ टाइप ऑफ. ऑप्शन ए इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग द मूवमेंट ऑफ सन, ऑप्शन बी इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कंटूरिंग एन एरिया, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, ऑप्शन डी सन सिग्नल यूज इन ट्रायंगुलेशन वर्क. हीलियोग्राफ में आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या होता है. हीलियोग्राफ एक वायरलेस सोलर टेलीग्राफ होता है जो क्या करता है, अपने सिग्नल जो सनलाइट होती है उसको मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट करके सिग्नल भेजता है. ये मेनली यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो कि लॉन्ग डिस्टेंस होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो 19 और 20 सेंचुरी में यूज़ किया जाता था 20 सेंचुरी के स्टार्टिंग में. ठीक है, तो आंसर हो गया इसका डी सन सिग्नल यूज इन ट्रायंगुलेशन वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैप प्रोजेक्शन इन विच द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ शॉर्ट लाइन्स इज रिप्रेजेंटेड करेक्टली इज कॉल्ड. ऑप्शन ए कंफर्मल प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी एक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी एजीमुथल प्रोजेक्शन, ऑप्शन डी इक्वल एरिया प्रोजेक्शन. ठीक है, सबसे पहले मैं इन सारे प्रोजेक्शन के बारे में बताता हूँ. सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस मैप प्रोजेक्शन के बारे में कि मैप प्रोजेक्शन करने को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं कार्टियोग्राफी. ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं चारों कार्टियोग्राफी में यूज़ किया जाता है, मतलब मैप प्रोजेक्शन में चारों को यूज़ किया जाता है. तो एक एक करके अपन चारों को समझते हैं क्या क्या होता है. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, चार ऑप्शन आपने पढ़ लिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे इक्वल एरिया प्रोजेक्शन की. तो मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा आपको समझा दूंगा कि इक्वल एरिया प्रोजेक्शन एजीम्यूथल इक्वी डिस्टेंस कंफर्मल क्या होते हैं. तो इक्वल एरिया प्रोजेक्शन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या करते हैं. जो एजीम्यूथल प्रोजेक्शन होता है वो बताता हूँ पहले. इसके अंदर क्या होता है कि डिस्टोर्शन होता है ना वो पोल्स के पास ज़्यादा होता है और जो इक्वेटर होता है वहाँ पर डिस्टोर्शन कम होता है. मतलब जैसे कि अपन जो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल वहाँ पे डिस्टोर्शन ज़्यादा होता है और जो इक्वेटर होता है वहाँ पे डिस्टोर्शन बहुत कम होता है. आपको डायग्राम से समझा देता हूँ. जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है जिसके नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहाँ से ये जो अपन ने एजीम्यूथल प्रोजेक्शन बनाया. ठीक है, तो एजीम्यूथल प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों आती है जिसके अंदर आप देख रहे हो इक्वेटर के ऊपर तो ये जो डिस्टोर्शन बहुत कम है, मतलब सेम लेंथ का है, एक तरह से स्क्वायर कह सकते हैं. और जो अपने पोल्स है वहाँ पे देख रहे हो आप ट्रायंगल सा बन रहा है, मतलब कि सेम है नहीं, एक तरफ डॉट और एक तरफ बड़ी लाइन है. तो इस तरह से ये यहाँ पर डिस्टोर्शन ज़्यादा है. नेक्स्ट प्रोजेक्शन की बात करते हैं अपन, जो कहलाएगा अपना इक्वी डिस्टेंस इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है. ये इक्वल एरिया प्रोजेक्शन नॉर्मली ये प्रोजेक्शन होता है जो अपन मैप का प्रोजेक्शन ऐसे देते हैं जिसके अंदर इक्वल एरिया स्क्वायर स्क्वायर से अपन सारा बता देते हैं, जो इक्वल एरिया प्रोजेक्शन कहलाता है. नेक्स्ट बताता हूँ आपको इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन क्या होता है. इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन ऑल पॉइंट्स ऑन द मैप आर एट प्रोपोर्शनली करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट. मतलब जो भी अगर मैप बनाया उसके अंदर पृथ्वी का बनाएंगे मैप, जैसे ग्लोब बनाया उसके अंदर ये तीन सर्कल बनाए, तो अपन देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट सर्कल है उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होंगे. तो ये अपना इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस प्रोजेक्शन कहलाता है. ये जो सर्कल है इसे सेम डिस्टेंस पे होता है तो उसको कहते हैं इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन. नेक्स्ट आ गया जो ऑप्शन ए है कन्फर्मल प्रोजेक्शन, जो है इसका आंसर. मतलब कि कन्फर्मल प्रोजेक्शन में अपन क्या करते हैं, जो भी एंगल होता है कोई भी शॉर्ट लाइंस जो भी अपन लाइंस बनाते हैं उनके बीच में एंगल होता है वो एकदम करेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं, उन एंगल्स के द्वारा अपन दर्शाते हैं. कोई भी मैप जैसे अपन ने कार्टियोग्राफी के अंदर कोई मैप बनाया उसके अंदर अपन को एंगल के द्वारा अगर किसी चीज़ को दर्शाना हो, एंगल कितना एंगल है इस लाइनों में ये है, तो अपन उसके अंदर कन्फर्मल प्रोजेक्शन का यूज़ किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, If L is the measured length of a line, then the compensating error are proportional to. ठीक है, अगर कोई लाइन है उसकी लेंथ L बता रखी है तो उसके अंदर जो compensating error होगी वो किसके proportional होगी, रूट L के, L के, L square के या L cube के. तो body's rule होता है उसके assumption पे ये question depend है.
बॉडी रूल का अजम्पशन अपन को क्या बोलता है कि अगर कोई लाइन जिसकी लेंथ एल है तो उसके अंदर जो एरर होगी वो प्रोपोर्शनल होगी रूट एल के, ये अपन को बताता है बॉडी रूल। बॉडी रूल के अजम्पशन के हिसाब से अपन को ये अपन को पता चलता है। तो नॉर्मली आपको कंपनसेटिंग एरर बता दें तो एरर होता है जो प्रोपोर्शनल होता है रूट एल के, बॉडी रूल के हिसाब से। और कंपनसेटिंग एरर क्या होती है, ये दोनों डायरेक्शन में जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। तो मतलब ये अगर पॉजिटिव होगी तो ये नेगेटिव होकर कंपनसेट कर देती है, तो ये बॉडी रूल है आप देख रहे हैं, उसका अजम्पशन है, उसके हिसाब से एरर जो होता है रूट एल के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ़ एच इज़ द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ अ चेन ऑफ लेंथ एल, द स्लोप करेक्शन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अपन को एच डिफरेंस बता रखा है, कोई भी चेन लेंथ अपन ने दो डिस्टेंस मेज़र करी सेम पॉइंट पे, वर्टिकल डिस्टेंस पे, तो ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको बी कह दिया, और वो हो गई एल, हो गई जो स्लोप पे डिस्टेंस होगी, उनके बीच का डिफरेंस आपको एल कहलाएगा। और नॉर्मली अपन सर्कल बना के देखें तो ये डिस्टेंस भी एल ही होगी, ये वाली जो बी से बड़ी होगी, ये डिस्टेंस एल होगी, ठीक है। तो बी होगा जो एल से छोटा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, और ये ठीक है। तो अपन नॉर्मली क्या होता है कि जो करेक्शन होता है कि अपन स्लोप के द्वारा जो करेक्शन आता है उसको स्लोप करेक्शन बोलते हैं। तो स्लोप करेक्शन इसके अंदर कितना, इतना, ये होता है स्लोप करेक्शन, सी एस से मैं डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली अगर स्लोप करेक्शन आप समझ गए होंगे क्या होता है कि डिस्टेंस को अगर हमेशा देखा नहीं है जो कर्ण होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ये टोटल एल में से मैं अगर बी माइनस करूँगा तो ये मेरे पास स्लोप करेक्शन आ जाएगा। तो एल को तो एल लिख दिया, L माइनस बी, तो L माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, जानते होंगे पाइथागोरस, L स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हो जाएगा, यह पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो L ये अपन इसको सॉर्ट आउट करते हैं आपके सामने, अपन L स्क्वायर, L अपन ने बाहर ले लिया, तो अब मैं थोड़ा ये ऊपर वाला डिलीट कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, एल माइनस एल वन माइनस एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इसकी पावर 1/2, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं वापस इसको थोड़ा सा ऐड करके वापस लिख देता हूँ, एल माइनस एल वन माइनस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब आपको पता है पावर 1/2 हो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो जो 1/2 किया जाता है, जो अपन ठीक है 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया एच स्क्वायर उसका, और माइनस इसको पूरे ब्रैकेट खोलते हैं तो ये इस तरह से ओपन होता है, जिसके अंदर एच फोर ओपन एट वाल वॉल और हैंड्स ऑन। आगे खोल लेते हैं पूरे को, एल माइनस एल को अंदर किया एल माइनस एच स्क्वायर, ए प्लस हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2L, ये भी प्लस रहेगा, सॉरी मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। तो एच फोर ये होगा नेगलेक्ट हो जाएगा, क्यों, अगर स्लोप ज़्यादा हो तो ये नेगलेक्ट हो जाता है, तो एल से एल जीरो हो गया, तो एच स्क्वायर अपॉन 2L, तो एल आ गया एच स्क्वायर अपॉन 2L, जो कि ऑप्शन है डी आंसर है, स्लोप करेक्शन आ गया ऑप्शन डी एच स्क्वायर अपॉन 2L। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोगिंग ऑफ चेन रिंग्स विथ मड इंट्रोड्यूस, क्लोगिंग होना मतलब जाम हो जाना, तो जो भी रिंग्स होती है चेन की वो अगर जाम हो जाए मड कीचड़ के द्वारा, अगर अपन नॉर्मली क्या है जो सर्वेइंग चेन होती है उसको कीचड़ में डालो और वो सूखेगा, सूखने के बाद में क्या वो चेन पूरी तरीके से नहीं खुलेगी, चेन को अगर मिटाएंगे दर्शाएंगे करेंगे ना तो वो पूरी तरीके से नहीं खुलेगी, उसके अंदर क्लॉगिंग हो जाती है चेन के अंदर। तो वो इंट्रोड्यूस क्या करता है, ए पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर, बी कंपनसेटिंग एरर, सी नेगेटिव कम्युलेटिव एरर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ये डिस्टेंस है ए और बी, ए से बी के बीच में 30 मीटर है ये डिस्टेंस, ठीक है 30 मीटर है। तो अगर कोई मड में जो अपनी जो चेन है उसको मैंने खोला तो वो पूरी तरह से खुलेगी नहीं, तो वो चेन 30 मीटर की थी तो वो यहाँ तक खुली, तो मेरे को ऐसा लग गया कि यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 30 मीटर, तो अपन को तो ए से बी तक की करनी है, तो आगे भी मैंने नापा तो वो एक्स्ट्रा आ गई 5 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर एक्स्ट्रा ये आ गया, टोटल कितना होगा 35 मीटर हो गया, मतलब है 30 मीटर और अपने नाप 35 मीटर लिया। तो नॉर्मली अगर अपन को इस 35 मीटर नाप लिया तो अपन को क्या करना होगा, करेक्शन करना पड़ेगा, करेक्शन क्या करना होगा, 35 में से 5 माइनस करना होगा, तो करेक्शन क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, माइनस करना पड़ा ना, तो एरर क्या होगी, करेक्शन का उल्टा पॉजिटिव, तो ऑप्शन ए आंसर है पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ द टेप पे, नहीं, ऑप्शन बी है इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं, ऑप्शन सी है नेचर ऑफ द ग्राउंड और ऑप्शन डी है स्केल ऑफ द मैप। तो आंसर होगा स्केल ऑफ द मैप। ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो नॉर्मल ऑफसेट क्या होता है, अपन ऐसे परपेंडिकुलर खींचते हैं ऑफसेट को, तो ये डिपेंड करता है स्केल ऑफ द मैप पे। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये याद ही कर लेना चाहे। इसका आंसर होगा डी स्केल ऑफ द मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द स्मॉलर एंगल मेड बाई ए सर्वे लाइन विथ द ट्रू मेरिडियन इज नॉन एज, ऑप्शन ए ट्रू बियरिंग, ऑप्शन बी एजीमूथ, ऑप्शन सी ग्रिड मेरिडियन, ऑप्शन डी मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैं इन चारों को मैं आपको बता देता हूँ एक बार, इनको डायग्राम के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर ऑप्शन इसका आंसर होगा बी एजीमूथ, ठीक है। तो एक बार सबको एक एक ऑप्शन को समझाता हूँ। ट्रू बियरिंग क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल मेजर करते हैं जो कि टू नॉर्थ से, ठीक है। मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ से अपन को हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं उसको मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं। सी है ग्रिड मेरिडियन क्या होता है, ग्रिड मेरिडियन होता है कि अपन को किसी एक लाइन को रेफरेंस मानते हैं, मेनली इसको ट्रू नॉर्थ को ही रेफरेंस मानते हैं अर्थ के सेंटर से, तो उसको कहते हैं ग्रिड मेरिडियन। तो ग्रिड मेरिडियन ऑप्शन होगा नहीं, ट्रू मेरिडियन होगा नहीं, मैग्नेटिक बियरिंग होगा नहीं, ऑप्शन बी है एजीमूथ। एजीमूथ इसका आंसर होगा, क्यों, क्योंकि एजीमूथ होता है जो कि सर्वे लाइन होती है ना, वो ट्रू मेरिडियन होता है जो पृथ्वी का, उससे जो सर्वे लाइन एंगल बनाती है उसको कहते हैं एजीमूथ एंगल, जो कि हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट, एजीमूथ का एंगुलर मेजरमेंट कहलाता है जो सर्वे लाइन का ट्रू मेरिडियन से, उसको एजीमूथ कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, एजीमूथ हो गया। ये कुछ डायग्राम्स हैं जो आप देख लो, ट्रू बियरिंग, एजीमूथ, ग्रिड मेरिडियन, मैग्नेटिक बियरिंग, ये आपको इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके सामने, द ग्रेविटेटेड रिंग ऑफ ए प्रिज्मेटिक कंपास हैज इट जीरो एट, नॉर्मली और कोई भी कंपास हो या नॉर्मली कोई भी अपन जो भी अपन मेजरमेंट करते हैं तो उसके अंदर जो जीरो डिग्री होता है वो हमेशा नॉर्थ पे आता है, ठीक है। नॉर्थ से ही अपन स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ से जीरो डिग्री और फिर 90 डिग्री, फिर आता है अपना 180 डिग्री, फिर आता है 270। तो नॉर्मली नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर जो ग्रेजुएटेड रिंग होता है उसके अंदर क्या होता है, वो साउथ के ऊपर जीरो डिग्री होता है, वहाँ से शो होता है। तो ये आपको रट ही लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। तो नॉर्मली जीरो डिग्री होता है जो साउथ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द रेशियो ऑफ कर्वेचर इफेक्ट टू दैट ऑफ रिफ्रैक्शन इज, पहले कर्वेचर इफेक्ट और रिफ्लेक्शन इफेक्ट बताता हूँ। कर्वेचर इफेक्ट होता है डी स्क्वायर अपॉन 2R, नॉर्मल फॉर्मूला है जो बुक से लिया है, डेरिवेशन आप देख लेना। और जो रिफ्लेक्शन इफेक्ट होता है 1/7 डी स्क्वायर अपॉन 2R। तो इनका अपन अगर वो करें रेशियो लें तो रेशियो आ जाएगा 7। कर्वेचर इफेक्ट क्या होता है, अर्थ के कर्वेचर के कारण जो इफेक्ट आता है, और रिफ्रैक्शन इफेक्ट क्या होता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस के कारण जो रिफ्रैक्शन हो जाती है लाइट अपनी, जो अपनी लाइन ऑफ साइट, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेवलिंग द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन मे बी टेकन एज 1/7 ऑफ दैट ड्यू टू कर्वेचर, 1/2, 1/3 और 1/5, 1/7 ऑफ ड्यू टू कर्वेचर, ये आपको मैंने पिछले क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लेन टेबल द इंटरसेक्शन मेथड इज प्रिफर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट टू बी प्लॉटेड आर, ठीक है। इंटरसेक्शन मेथड बता देता हूँ मैं आपको, ए बी सी डी चार पॉइंट है। तो अपन को इंटरसेक्शन प्लेन टेबल सर्वेइंग में होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि दो जो एक्सेसिबल नहीं होती कोई चीज़ कोई, तब अपन इंटरसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली इसमें देखो किस टाइप से करते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, दो स्टेशन लेते हैं जहाँ से अपन को पहले पी से अपन को ए बी सी डी की मेजरमेंट करेंगे और उनका जो जो अपनी टेबल होगी उसके अंदर ड्राइंग में अपन उसको डिनोट कर देंगे, फिर क्यू से लेंगे, क्यू से डिनोट कर देंगे, फिर इन दोनों के बीच की जो इंटरसेक्शन होगी वो इसकी मेजरमेंट्स होगी। तो नॉर्मल अपना ये इंटरसेक्शन मेथड होता है वो लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस क्या होता है अपन को कोई भी पॉइंट्स होते हैं वो एसेसिबल नहीं होते एक ही स्टेशन से, तो अपन को दो स्टेशन लेने पड़ते हैं ताकि वो अपन को पूरे का अपन मेजरमेंट कर सकें, डिस्टेंस अपन निकाल सकें, तो इसलिए इंटरसेक्शन मेथड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टू मिनिमाइज एरर इन फ्लाई लेवलिंग,
ऑप्शन ए द रेड्यूस लेवल ऑफ द स्टाफ स्टेशन शुड बी इक्वल, ऑप्शन बी द इंस्ट्रूमेंट शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ स्टेशन, ऑप्शन सी द समेशन ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड शुड बी मिनिमम, और ऑप्शन डी द लेग्स ऑफ डंपी लेवल शुड बी ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ स्टेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्टली आता है एग्जाम के अंदर। तो ये फ्लाई लेवलिंग क्या होता है वो बता देता हूँ आपको, ये चीज़ होती है फ्लाई लेवलिंग। ठीक है, फोर साइड बैक साइड ये अपने हिसाब से लेते हैं, तो इसके अंदर क्या बता रखा है, तो इंस्ट्रूमेंट रखते हैं ना तो वो इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए स्टाफ स्टेशन से। क्यों? क्योंकि अगर अपन जो लेफ्ट साइड, अपन जो फोर साइड लिया, फोर साइड के अंदर कुछ ना कुछ इफेक्ट, रिफ्रैक्शन इफेक्ट आ जाएगा जिसके कारण कुछ एरर आएगी। फिर अपन ने बैक साइड ली, उसके अंदर भी रिफ्रैक्शन इफेक्ट के कारण बैक साइड एरर आ जाएगी। लेकिन अगर अपन सेम डिस्टेंस पर रहेंगे तो वो दोनों एरर सेम आएगी और दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देगी, जिसके कारण अपने पास एरर के चांस बहुत कम होंगे, मिनिमम होंगे। तो इस कारण ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ स्टेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिडेड इज यूज इन, ऑप्शन ए चेन सर्वे, ऑप्शन बी प्लेन टेबल सर्वे, ऑप्शन सी कंपास सर्वे, ऑप्शन डी थर्डोलाइट सर्वे। तो एलिडेड क्या होता है, एलिडेड होता है मोस्टली लाइन ऑफ साइट के लिए यूज़ किया जाता है अपन को, जो कि यूज़ होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर। प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर जो टेबल होती है उसके ऊपर एलिडेड होता है, जो वुड का या स्टील का जो भी होता है बना होता है, उसको जहाँ अपन को साइट करना है उस डायरेक्शन में रख के उससे अपन को एलिडेड की मदद से उसको देखा जाता है, लाइन ऑफ साइट को देखा जाता है। तो ये नॉर्मली इसका आंसर क्या हो गया, एलिडेड इज यूज इन प्लेन टेबल सर्वेइंग, बी आंसर है इसका। मैं एक बार आपको एलिडेड डायग्राम के द्वारा बता देता हूँ एलिडेड किस टाइप में दिखता है। ये मिटा देते हैं पहले, ये इस टाइप में होता है एलिडेड, जो इधर ऑब्जेक्ट वैन एक आई वैन होता है एक तरफ, तो एक तरफ से देखते हैं, दो छेद होते हैं, एक तरह से यहाँ से देखा और दूसरों को वहाँ से लाइन ऑफ साइट अपन को यहाँ से क्लियर दिख जाती है, तो बिल्कुल अपने पास एरर नहीं आता इससे। एलिडेड से लाइन ऑफ साइट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द सेंसिटिविटी ऑफ अ बबल कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो सेंसिटिविटी होती है बबल ट्यूब की वो कैसे इंक्रीज होती है। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग द ट्यूब, सही है। बी ऑप्शन इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्यूब, सही है। सी ऑप्शन है इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ये भी सही है। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। अब ये इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होगी, ऑप्शन तीनों सही है लेकिन ऑप्शन डी अपन को नॉन ऑफ द अबव दे दिया, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या करें। तो इसके अंदर जो बाकी के तीन ऑप्शन है ए बी सी, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्वेश्चन जिस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है ये सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, वो अपन को निकालना है, वो आंसर टिक करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल लेवलिंग इज डन व्हेन ग्राउंड इज अनइवन, ग्राउंड इज फ्लैट, बैलेंसिंग ऑफ साइट इज नॉट पॉसिबल, और डी नॉन ऑफ द अबव। रेसिप्रोकल लेवलिंग नॉर्मली जो रिवर होती है उसके दोनों रिवर के अक्रॉस अपने यूज़ करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग को। रेसिप्रोकल का मतलब एक साइड से पहले अपन ने दूसरी साइड देखा, फिर दूसरी साइड पर स्टेशन रखे फर्स्ट साइड देखा, ए से बी की तरफ साइड किया, बी से ए की तरफ साइड किया, तो ये होता है रेसिप्रोकल लेवलिंग, जिसके अंदर नॉर्मली रिवर के टाइम पे यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए ग्राउंड इज़ अनइवन, नो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन बी ग्राउंड इज़ फ्लैट, नो यहाँ यूज़ नहीं होगा। ये आपको मैं पहले बता देता हूँ कि इस टाइप में होता है, ए से इधर देखा और फिर यहाँ पे स्टेशन रख के इस साइड में देखा, तो दोनों में जो एरर होगी उसे कंपनसेट करके इस टाइप से लेवलिंग की जाती है और डिस्टेंस निकाल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बैलेंसिंग ऑफ साइट इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, तो डी आंसर नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन करेक्शन, कम्प्लीटली एलिमिनेट कर्वेचर इफेक्ट, पार्शियली एलिमिनेट कर्वेचर करेक्शन, एड्स टू द कर्वेचर करेक्शन, और हैज नो कर्वेचर करेक्शन। तो कर्वेचर रिफ्रैक्शन इफेक्ट करेक्शन क्या होता है, सी आर इक्वल टू 1/7 सी वी सी सी। ठीक है, तो नॉर्मली जो करेक्शन जो कर्वेचर के द्वारा होता है उसका ओनली 1/7 पार्ट होता है रिफ्रैक्शन करेक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन करेक्शन ओनली 1/7 पार्ट हो गया,
तो इसके अंदर जो बिकॉज जो कर्वेचर करेक्शन ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, और रिफ्लेक्शन करेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव. सो इट्स एलिमिनेट पार्शियली बिकॉज रिफ्लेक्शन करेक्शन इज 1/7 ऑफ द कर्वेचर करेक्शन. तो इस रीजन से ये पार्शियली करता, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, पार्शियली एलिमिनेट्स कर्वेचर करेक्शन. नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन, द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव रीडिंग्स वर टेकन विथ अ डंपी लेवल 0.695, 1.525, 2.395, 0.635, 0.805, 0.125. द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर द थर्ड एंड फिफ्थ रीडिंग, द रीडिंग 2.395 एंड 0.635 रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट. तो नॉर्मली इसमें तो गुणसूत्र बांध लो ये सूत्र, कि नॉर्मली ये समझाने के लिए समझा भी सकता हूँ लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. तो नॉर्मली मान लो कि इंस्ट्रूमेंट जिस रीडिंग के बाद में शिफ्ट करते हैं ना, वो रीडिंग तो कहलाती है हमेशा फोरसाइट. ठीक है, तो जिस रीडिंग के बाद में करते हैं वो कहलाती है, जैसे थर्ड और फिफ्थ, तो थर्ड और फिफ्थ तो इसकी फोरसाइट होगी, और जिस थर्ड के जस्ट बाद वाली रीडिंग होगी वो हमेशा बैक साइड होगी. ठीक है, तो इसके अंदर थर्ड रीडिंग है, थर्ड के बाद शिफ्ट हुआ था, थर्ड रीडिंग अपन को पूछा 2.395, ये थर्ड रीडिंग है, थर्ड के बाद शिफ्ट हुआ था, ये क्या होगी फोरसाइट, उसके जस्ट बाद वाली पूछ ली 0.635, तो ये हमेशा होगी बैक साइड. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, फोरसाइट एंड बैक साइड. बाकी इस डायग्राम से आपको समझ में आए तो देख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन एज अप्लाइड टू स्टाफ रीडिंग इज, करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन, तो हमेशा करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आंसर हम पॉजिटिव वाला हो लेंगे. पॉजिटिव होता है, ऊपर से अपन जानते हैं करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन क्या होता है, 1/7 ऑफ कर्वेशन, करेक्शन फॉर कर्वेचर होता है, तो करेक्शन फॉर कर्वेचर होता है डी स्क्वायर बाई 2R, और 1/7 ऑफ डी स्क्वायर बाई 2R हो जाएगा करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन. तो आंसर ए इसका आंसर है, यहाँ R है रेडियस ऑफ अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टार पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डी, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द, अगर जो अपन स्टाफ रखते हैं और जहाँ से अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अपने बीच की डिस्टेंस होगी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो अपन को दे रही है डी, डी डिस्टेंस है. देन द एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू, एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, बहुत ज़्यादा ये देख रहे हो आपने अभी तक 3-4 बार क्वेश्चन आ गया है ये कर्वेचर कर्वेचर कर्वेचर, तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा एरर ड्यू टू कर्वेचर क्या होता है, एरर ड्यू टू कर्वेचर होता है डी स्क्वायर अपॉन 2R. तो एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ होता है डी स्क्वायर अपॉन 2R, तो ये प्रोपोर्शनल किसके हो गया, डी स्क्वायर के हुआ. तो ऑप्शन ए है डी, ऑप्शन बी है 1/D, ऑप्शन सी है डी स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 1/D², तो आंसर हो गया सी, डी स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ सर्विंग विच रिक्वायर्ड लीस्ट वर्क इज, ऑप्शन ए टेक्योमेट्री, ऑप्शन बी ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग, ऑप्शन सी प्लेन टेबलिंग, ऑप्शन डी है थोरलाइज सर्विंग. तो सबसे ज़्यादा सबसे कम लीस्ट ऑफिस वर्क किस में यूज़ होता है, सी प्लेन टेबल सर्विंग. क्यों, रीज़न क्या है, रीज़न ये है प्लेन टेबल सर्विंग के अंदर अपन जो भी रीडिंग लेते हैं वो टेबल रखते हैं, ड्राइंग होती है, शीट होती है, तो रीडिंग साइमल्टेनियसली लेते हैं, मतलब कि इसके अंदर कोई फील्ड बुक नहीं होती, फील्ड बुक होती है जिसको कुछ नहीं होता, ऑफिस वर्क होता नहीं है इसके अंदर, जो भी चीज़ होता है वो उसी टाइम होता रहता है, फील्ड में ही होता रहता है, फील्ड में अपने डिस्टेंस ली वही उसके अंदर शो कर दिया, ऐसा करके वहीं फील्ड में ही कंप्लीट किया जाता है. तो सबसे कम लिस्ट ऑफिस वर्क होता है प्लेन टेबल सर्विंग, सी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरसेक्शन मेथड ऑफ डिटेल्ड प्लॉटिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर, ऑप्शन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन बी अर्बन एरिया, ऑप्शन सी हिली एरियाज, ऑप्शन डी प्लेन्स. तो इन चारों में आंसर होगा हिली एरियाज. क्यों, इंटरसेक्शन मेथड कब यूज़ करते हैं, जब अपन इनअसेसिबल हिली एरियाज के अंदर, जैसे ये दो यहाँ से ये पॉइंट नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे अपन यहाँ स्टेशन लेके ये पॉइंट देख लिया, तो इस टाइप में जब इनअसेसिबल हो तो यूज़ करते हैं, तो हिली एरियाज में इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं, आंसर होगा ऑप्शन सी हिली एरियाज. नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई,
ऑप्शन ए ट्रेसिंग प्रॉपर पेपर मेथड, ऑप्शन बी ब्रसेल मेथड, ऑप्शन सी लेमान मेथड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द वो। थ्री पॉइंट प्रॉब्लम जो होता है सॉल्व करते हैं उसके तीन होते हैं, जिसको पहला वो होता है मैकेनिकल मेथड जिसको ट्रेसिंग पेपर मेथड भी कहते हैं, तो ऑप्शन ए तो सही है। दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड जिसको ब्रसेल मेथड कहते हैं, वो भी सही है। ऑप्शन सी है लेमान मेथड, और लेमान मेथड ही यूज़ करते हैं, तो सी भी आंसर, तो मतलब डी आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन था टू पॉइंट प्रॉब्लम, थ्री पॉइंट प्रॉब्लम आर मेथड ऑफ, ऑप्शन ए रिसेक्शन, ऑप्शन बी ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी ट्रेवर्सिंग, ऑप्शन डी रिसेक्शन ओरिएंटेशन। ऑप्शन डी आंसर है रिसेक्शन ओरिएंटेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टू पॉइंट प्रॉब्लम थ्री पॉइंट प्रॉब्लम क्या करते हैं अपन, ओरिएंटेशन मतलब कि स्टाफ होता है उसका ओरिएंटेशन भी, उसकी जो पोजीशन है वो भी डिफाइन करते हैं, और इसके अंदर रिसेक्टर्स भी लेते हैं इस पॉइंट से स्टाफ स्टेशन, तो इसके अंदर दोनों आंसर हो गए रिसेक्शन एंड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है बॉडीज रूल इज अप्लाइड टू, ऑप्शन ए एन ओपन ट्रेवर्स फॉर ग्राफिकल एडजस्टमेंट, ऑप्शन बी ए क्लोज ट्रेवर्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर, ऑप्शन सी डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ लोकल अट्रैक्शन, डी नन ऑफ द अबव। लोकल अट्रैक्शन आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ होती है जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाती है अगर कोई भी, तो उसको लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि बॉडीज रूल क्या होता है मैं बताता हूँ। करेक्शन टू लेटिट्यूड ऑफ एनी साइड इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है बॉडीज रूल जिसको कंपास रूल भी कहते हैं, इक्वल टू टोटल एरर इन लेटिट्यूड इनटू लेंथ ऑफ दैट साइड अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स मतलब क्लोज ट्रेवर्स, उसका जो पेरीमीटर ले लिया। और तो नॉर्मली इसमें करेक्शन निकालते हैं जो लेटिट्यूड होता है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर क्लोज ट्रेवर्स का करेक्शन एरर निकाल रहे हैं, ऑप्शन बी ए क्लोज ट्रेवर्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर। तो ये आंसर हो गया बॉडीज रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन द एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ अ ट्रेवर्स इज कॉल्ड, तो ये तो हो गई प्रीसीडिंग लाइन और ये हो गई फॉरवर्ड लाइन, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो एंगल होगा वो कहलाएगा डेल, जो कहलाता है डिफ्लेक्शन एंगल। तो ऑप्शन ए आंसर होगा, और बीच वाला इंक्लूडेड एंगल होता है, तो इनको तो आंसर क्या होगा डिफ्लेक्शन एंगल ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय टेकोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन रिक्वायर स्लोप करेक्शन, रिक्वायर टेंशन करेक्शन, रिक्वायर स्लोप एंड टेंशन करेक्शन, डू नॉट रिक्वायर स्लोप एंड टेंशन करेक्शन। सबसे पहले बात हो रही है टेकोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन की, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं उसके द्वारा, तो उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं, तो उसके अंदर कौन सा करेक्शन रिक्वायर होता है, दोनों ही रिक्वायर नहीं होते स्लोप और टेंशन। क्यों? क्योंकि दोनों होते हैं चेन सर्वे में यूज़ होते हैं ये दोनों, क्योंकि कोई भी स्लोपिंग भी होगी तो ये टेक्योमीटर में तो ऑप्टिकली यूज़ होता है, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेंशन भी चेन में आती है सिर्फ, इसमें नहीं आती, तो ये चेन सर्वे में रिक्वायर होते हैं दोनों करेक्शन। नेक्स्ट है ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल कैन ऑन अ कर्व कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग कंपाउंड कर्व, वर्टिकल कर्व, रिवर्स कर्व और डी ट्रांजिशन कर्व। नॉर्मली ये तो सब जानते हैं ट्रांजिशन कर्व यूज़ करते हैं जब भी ओवरटर्न व्हीकल ओवरटर्न होता है कहीं भी हाईवे वाईवे पे, तो व्हीकल के ओवरटर्निंग को अवॉइड करने के लिए। ठीक है इफ़ द डिग्री ऑफ कर्व इज़ 1 degree देन रेडियस ऑफ द कर्व इज इक्वल टू। ठीक है तो ये मैं थोड़ा सा आपको हिसाब से बताता हूँ, डिग्री ऑफ द कर्व क्या होता है। डिग्री ऑफ कर्व इज डिफाइंड एज द सेंट्रल एंगल ऑफ द कर्व डेट इज सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ 100 feet लेंथ। तो नो सबसे पहले ये जो अपनी डिग्री ऑफ कर्व के लिए ये अपन ने जो सर्कल का पार्ट लिया, तो जो डेफिनेशन उस हिसाब से अपन देखते हैं कि द सेंट्रल एंगल ऑफ द कर्व डेट इज सस्पेंडेड बाई द 100 feet लेंथ। ये जो डिग्री ऑफ कर्व होगा जो 100 feet लेंथ होगी वहाँ तक जो भी एंगल होगा उसको डिग्री ऑफ कर्व कहेंगे। ठीक है तो नॉर्मली डी डिग्री अपॉन 100 feet इक्वल टू, ठीक है इक्वल टू होगा अगर अपन ये डी डिग्री जगह मैं ले लूँ पूरा 360 डिग्री का लूँ तो 360 पे 2πr feet आ जाएगा। ठीक है पूरा 2πr 360 पे 2πr पूरा आएगा, तो 60 डिग्री अपॉन 2πr। ठीक है तो ये बराबर होंगे, तो अब देखो एक बार रुको r इक्वल टू क्या आ जाएगा वो बता दूंगा मेरे को, d डिग्री अपॉन 100 feet इक्वल टू 360 अपॉन 2πr। तो r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू हो जाएगा 360 इंटू 100 feet अपॉन में d डिग्री इंटू 2πr। सॉल्व करेंगे इसको, डी डिग्री जगह मैं 1 degree लिख लूँ, क्योंकि ऑप्शन जो अपन को उसके अंदर अपन को डी डिग्री की जगह 1 degree बता रखा है कि 1 degree होता है रेडियस ऑफ कर्व कितना होगा। 1 degree से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 5732.48 feet।
आंसर आ गया, लेकिन ऑप्शन तो कोई सा ही नहीं है। अपन जल्दीबाजी में ए ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन ये फीट में है और जो ऑप्शन है वो मीटर में है, तो मीटर में चेंज करके 1 फीट इक्वल टू 1/3.33 मीटर होता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 5732.48 फीट इक्वल टू क्या होगा, 5732.48/3.33 जो आंसर आ जाएगा 1720 मीटर, मीटर में आ गया, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन अपग्रेड ऑफ 1.5% इज फॉलोड बाई अ डाउनग्रेड ऑफ 0.5% एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 0.2% पर 20 मीटर चेन, देन द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व इज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा वर्टिकल कर्व की लेंथ निकालने का। वर्टिकल कर्व होता है जो उसका डेरिवेशन उसके अंदर से निकला है ये, तो फॉर्मूला बेस्ड है। लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व इक्वल टू होता है टोटल चेंज ऑफ ग्रेड डिवाइडेड रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड, चेंज ऑफ ग्रेड, तो ये चीज़ अपनी आएगी, यूनिट होगी चेंज, मतलब जो आंसर आएगा वो चेंज में आएगा। जैसे 10 आंसर आए तो 10 चेन, 20 आए तो 20 चेन, 30 आए तो 30 चेन, तो एक तरह से इसको चेन में जो आंसर आएगा G1 माइनस G2 टोटल चेंज ऑफ ग्रेड बोल सकता हूँ, G1 माइनस G2 अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड होगा नीचे R चेंज में। तो G1 क्या है यहाँ पे, G1 अपन को दे रखा 1.5% अपग्रेड बता रखा है, तो जीवन 1.5 पॉजिटिव है, अपग्रेड है तो पॉजिटिव, नेगेटिव 0.5% डाउनग्रेड है, तो और आर अपन को 0.2% दे रखा पर 20 मीटर में। तो बस ये फॉर्मूला वेस्ट है, फॉर्मूला पुट किया और हो गया आंसर आ गया 1.5 माइनस ब्रैकेट में 0.05 0.02 इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास में 10 चेन आंसर आ गया। लेकिन चेन में तो आंसर पूछा नहीं, तो अपन को मीटर में बता रखा, तो एक चेन की लेंथ बता रखी 20 मीटर, तो 10 की कितनी हो गई, 20 मीटर बता रही है तो 10 की हो गई 200 मीटर, तो आंसर इज 200 मीटर बी आंसर। ठीक है बहन, ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सर्विंग रिलेटेड एमसीक्यूज, ये जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आते ही रहते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो इनको एक बार रिकवर कर लें, और भी मैं इनसे रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज देता रहूँगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए जो गेट की टेस्ट सीरीज़ है वो यहाँ पर सोल्व करवाऊँगा, जो आपको परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं परचेस करूँगा और यहाँ पर मैं पूरा सोल्व करवाऊँगा। तो नॉर्मली क्या है, जो गेट ऐसे जिस हिसाब से स्क्रीन में दिखाते हैं उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा, और हिसाब से अपन को चेंज करना पड़ेगा, उस हिसाब से यहाँ पे शो करूँगा और आप अपन क्वेश्चन सॉल्व करते रहें उसको देखते हुए, और मैं उसका सॉल्यूशन का भी वीडियो आपको डालता रहूँगा, तो आपको कोई परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओके गाइस, ओके फ्रेंड्स, आपको बस ये चैनल सब्सक्राइब करना है अगर आपको इसी तरह से मेरे साथ में चलना है, तो मैं इस तरीके से आपको सारी टेस्ट सीरीज़ भी गेट की सारी करा दूंगा। ओके, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।